अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्कूल के मैक माय चैनल मिस्टर मेडिको। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने फार्माकोलॉजी की वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में जो मैं आपको करवाऊंगा वो एक तो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस है, मेंटेनेंस डोज है और है लोडिंग डोज, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं आपको करवाऊँगा वो होगा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी नेसेसरी to account for total amount of drug. वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि after administration of drug जो concentration plasma में पहुंच चुकी है वो volume of distribution of drug है, क्योंकि जब तक प्लाज्मा में कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगी, जब तक ड्रग जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, तो वो हमारे ऑर्गन्स या टारगेट टिश्यू को अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना। हम इसको वीडी भी कहते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में 42 लीटर वाटर है, ठीक है ना। अब इसकी जब फर्दर क्लासिफिकेशन होती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में डिवाइड होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूड में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में अगेन डिवाइड होता है, उसमें आता है प्लाज्मा जो के है 4 लीटर और आता है इंटरशियल फ्लूड जो के है 10 लीटर और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूड है वो रिमेनिंग रह जाता है 8 लीटर, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल से हमने समझना है कि आखिर हम इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ठीक है, ये सेल या टिश्यू है आप कह सकते हो, और ये है दरमियान में इंटरशियल फ्लूइड, ठीक है। अब एक ड्रग आ रही है, ठीक है, इसका मोल ये है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ये साइज इसका लार्ज है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक आप कह सकते हो जो भी है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि ये ड्रग जब यहाँ आएगी तो ये बहुत छोटी जगह यहाँ से नहीं गुजर पाएगी, तो ये ऑलरेडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में है। क्या मतलब कि ये ब्लड में मौजूद है, तो ब्लड में प्लाज्मा होगी। तो जिन ड्रग्स का साइज लार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक होती हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली 4 लीटर होता है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी मिसाल पर, ये थी लार्ज मॉलिक्यूल के लिए। अब एक ड्रग है, ठीक है, ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, ये हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगी, ठीक है ना। अब ड्रग है उसका साइज है स्मॉल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो एक तो ये स्मॉल है, ठीक है, और एक है ये हाइड्रोफिलिक, ऊपर वाली में लार्ज और हाइड्रोफिलिक था। अब ये यहाँ से जो गुजर जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी ड्रग, ठीक है, लेकिन हाइड्रोफिलिक होने की वजह से, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड सोल्युबल है, तो इसके लिए क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सेल में नहीं पहुंच सकेगी। तो ये जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो तो प्लाज्मा में तो ऑलरेडी है, ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ गया है। तो जो ड्रग्स, ऐसी ड्रग जो कि स्मॉल वेट हैं या स्मॉल साइज में हैं और हाइड्रोफिलिक हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 लीटर होगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि प्लाज्मा में 4L
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ गई हैं, तो वो मिलाकर 4 + 10 14 लीटर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड एग्जांपल पे। ठीक है, अब ये जो ड्रग है ये स्मॉल साइज में भी है प्लस हाइड्रोफोबिक है, मींस लिपिड सॉल्युबल है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है हमारी, जो हम यूज करते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल है। अब क्या होगा, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में तो है, ओवरऑल ये हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी ये इजीली आ जाएगी 10L, ये हो गया। ठीक है ना, ये मिलाकर हो गए 14L, और इसमें है इंट्रासेलुलर फ्लूइड 28 लीटर है। अब लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये ड्रग इजीली सेल में एंटर हो जाएगी, तो कुल मिलाकर ये 42 लीटर्स हो गया टोटल। लेकिन हम वीडी को अपेरेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि बास ड्रग्स का जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो 42 से ज़्यादा होता है। आप तो कहते हो कि यार 42 लीटर तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है वाटर की जो बॉडी में होता है, लेकिन हम इसलिए इसको पेरेंट वॉल्यूम कहते हैं क्योंकि कुछ ड्रग्स का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 42 लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अब बात आ जाए क्लियरेंस की। What is clearance? Clearance से मुराद कि कितनी अमाउंट जो प्लाज्मा से है वो निकल गई है, एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, अब क्लियरेंस जो है उसका डायरेक्टली रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन से और सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन से। मैंने पिछली वीडियो में आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर इजीली समझा दिया था, फिर समझा देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, बस मोटा मोटा आपको समझाऊंगा कि क्या था। फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है कि जो कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा ग्राफ था, ग्राफ से समझाऊंगा मैं आपको, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये टाइम बराबर। एवरी हाफ लाइफ के बाद जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल 100 mg हमने ली थी, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट हाफ के बाद इसने हो जाना 50। ठीक है, सेकंड के बाद इसने 50 का आधा हो जाना जो कि 25 है, और थर्ड के बाद इसने 12.5 जो कि 25 का आधा है। क्या मतलब इसका कि फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट वे में डिक्रीज होती है, मतलब उसका जो हाफ है हाफ लाइफ पे डिपेंड करती है ये। उसके बाद जीरो ऑर्डर क्या था, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। अब जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में यह था कि रेट ऑफ एलिमिनेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें ये एक फॉर एग्जांपल इसमें 100 mg थी, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ सेकंड थर्ड रेट ऑफ एलिमिनेशन रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर 10 मिलीग्राम ड्रग ने एलिमिनेट होना है पर हाफ लाइफ, तो अगली हाफ लाइफ में भी 10 mg ही होगी। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 90 रह जाएगी, उसके बाद ये 80, फिर 70। ये था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ। अब जो चीज़ें हैं वो हैं मेंटेनेंस डोज। तो
कि मेंटेनेंस डोज क्या होती है। अब मेंटेनेंस डोज की वैल्यू ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक टर्म का पता होना लाजमी है, वो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जिसको हम CSSB कहते हैं। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक हमने पिल दी है किसी पेशेंट को, उसकी वैल्यू है 100 mg, ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो है 200 mg। अब हम क्या करेंगे, हम उसको देंगे 100 mg और उस पेशेंट की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए। अब होगा क्या, जब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पहुंचेगी जो कि 200 mg है, तो फिर चाहे हम इसमें जितनी मर्जी ऐड कर दें या जितनी मर्जी एलिमिनेट हो जाए, इसमें अपनी जगह से नहीं हिलना। जब एक कंसंट्रेशन अपनी स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाती है तो हम चाहे जितनी मर्जी ऐड करें, चाहे जितनी मर्जी वो एलिमिनेट हो, लेकिन इसने अपनी जगह से नहीं हिलना, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज क्या है, ऊपर वाली एग्जांपल को हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 200 mg हमने कहा एक उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है। अब उसमें से हमने स्टेडी कंसंट्रेशन स्टेट जो पहुंच गया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कर दिया ड्रग की। अब जारी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप हुई है तो उसकी क्या कहते हैं, उसकी एलिमिनेशन तो होगी। एलिमिनेशन उसकी हो रही है 20 mg/h। अब हम क्या करेंगे, हमने ये नहीं करना कि हमने उसको 200 mg की ही डोज दे देनी है, हमने बिल्कुल नहीं करना। हमने ये करना है, मेंटेनेंस डोज का मतलब ही ये है कि हमने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। और मेंटेन कैसे रखना है, मेंटेन तो ऐसे ही रखा जाएगा ना कि जितनी कंसंट्रेशन एलिमिनेट हो रही है उतनी हम उसको वापस दे दें। तो ये थी मेंटेनेंस डोज की डेफिनेशन, कि जितनी एलिमिनेट हो रही हम उतनी ही डोज की अमाउंट है वो उसे दे दें। उसके बाद आ जाओ लोडिंग डोज क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग की हाफ लाइफ 20 आवर है, वी जस्ट अज्यूम्ड इट, ठीक है ना। अब एक क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट आता है, ठीक है, उसको हम डायग्नोस करते हैं, कुछ भी डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करके हम उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको एक मेडिसिन देते हैं या उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार उस जो हमने मेडिकेशन स्टार्ट की हुई है उसकी हाफ लाइफ तो 20 आवर है, और हमें पता है कि मैक्सिमम इफेक्ट कब होता है, जब 90% उसकी हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाती है। तो हमें पता है कि 90% अगर हुई है तो ये एटलीस्ट 4 हाफ लाइफ होगा। तो अगर 20 आवर उसकी हाफ लाइफ है तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 80 हाफ, तो हम 80 आवर्स उसका वेट नहीं कर सकते अगर तो वो पेशेंट क्रिटिकल स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम उसको बूस्टर डोज देंगे। जैसे कि आपने रिसेंटली आपने कोरोना का जो बुहरान आया था उसमें देखा था कि एक वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज थी वो सिर्फ नॉर्मल डोज थी, ठीक है ना, उसके बाद वो बूस्टर डोज लगा रहे थे। इसी तरह हम बूस्टर डोज देंगे पेशेंट को टू रीच क्विकली बूस्टर डोज टू अचीव क्विकली हाफ लाइफ, ठीक है। तो मैक्सिमम इफेक्ट 90% में जाओगे तो आपको पता है कि 90% जो है वो 4 हाफ लाइफ के बाद होता है। तो गिव बूस्टर डोज टू अचीव क्विकली हाफ लाइफ, ठीक है ना, हम बूस्टर डोज देंगे ताकि हम हाफ लाइफ जल्दी से जल्दी गेन कर लें, ताकि वो एक्शन स्टार्ट हो जाए। अब जो मेंटेनेंस डोज है वो
बायो अवेलेबिलिटी पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना? डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी पर उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईवी की बात करें, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका बायो अवेलेबिलिटी रेट 100% होता है। इसके बरक्स ओरली का 100% नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि हम जब मेडिसिन टेक करते हैं ओरली, हमेशा याद रखिएगा कि जो ओरली टेकन मेडिसिन है वो फर्स्ट पास इफेक्ट को फॉलो करती है। फर्स्ट पास इफेक्ट है क्या? फर्स्ट पास इफेक्ट फॉर एग्जांपल ये हमने एक पिल ले ली मुंह के जरिए, अब इसने एसोफेगस में जाना है, एसोफेगस के बाद स्टोमक में, फिर इंटेस्टाइन, फिर उधर से वाटर सिस्टम में, सर्कुलेशन में। अब जो एसोफेगस है और स्टोमक है वो तो जीआईटी कंसीडर होता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है ना? अब क्या होगा, जीआईटी में अब्जॉर्ब होगी ड्रग, ठीक है, अब्जॉर्ब होने के बाद ये पोर्टल सर्कुलेशन में आ जाएगी, पोर्टल सर्कुलेशन के बाद ये आ जाएगी लीवर में, जहाँ पे होगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद, अब मेटाबॉलिज्म हो गया तो फर्स्ट पास इफेक्ट की डेफिनेशन ये है, ड्रग मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग, ड्रग मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ड्रग मेटाबोलाइज हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी इंट्रावेनियस एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बतन। अब क्या होगा, इससे फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगा और फिर हमारे टारगेट टिश्यू जो हैं उनको जाएगी। फॉर एग्जांपल ये किडनीज हैं, अगर इनकी हमने मेडिसिन मेडिकेशन लिया तो ये किडनी को फिर जो भी इसका फंक्शन कंट्रोल करना जो भी करेगी, ठीक है ना? तो ये तो फर्स्ट पास इफेक्ट। अब लोडिंग डोज का जो फार्मूला वो है, लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टारगेट कंसंट्रेशन, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए लोडिंग डोज में, ठीक है। और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज का फार्मूला है वो है डोजिंग रेट डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी, एफ से रिप्रेजेंट होता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय डोजिंग इंटरवल, ठीक है। ये थी उन, ये फार्मूला उनके लिए जो हम अदर देन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेते हैं, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अदर देन इंट्रावेनस है, ठीक है ना। अब इंट्रावेनस का फार्मूला क्या है, इंट्रावेनस का फार्मूला ये है डोजिंग रेट मल्टीप्लाई बाय डोजिंग इंटरवल। फ्रैक्शन हमने क्यों खत्म की, हमें पता है कि आईवी का 100% है बायो अवेलेबिलिटी, तो अगर 100% तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा डोजिंग रेट मल्टीप्लाई बाय डोजिंग इंटरवल। तो होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी हो, मैंने अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, बाकी वॉल्यूम में ये जो आपको टक टक की आवाज़ आती है ये पेन की वजह से आती है। तो इंशाल्लाह मैंने एक और पैड मंगवाया हुआ, ग्राफिक पैड मंगवाया हुआ, जब वो लाऊं यूज़ करूँगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो उसके उससे फिर इसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह हो जल्द कोशिश है कि वो आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको एक रिलीफ के साथ एक अच्छी सी वीडियो बनाकर भेजा करूँगा या अपलोड किया करूँगा। बाकी आपकी सपोर्ट है, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग मी, मैं ये सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, ये जो मैंने पैड खरीदा है अपने लिए खरीदा है और अपने नोट्स बनाने के लिए खरीदा, आपके लिए खरीदा और अपने नोट्स बनाने के लिए खरीदा, और इन दो चीज़ों के अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर सकूँ। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, दूसरों को भी। मुझे दीजिए इजाज़त।